फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। जब मैं किसी शो के बारे में सुनती हूँ कि भाई जो है शो बंद होने वाला है, फिर वही न्यूज़ मैं आप तक पहुँचाती हूँ और फिर कहीं ना कहीं ये न्यूज़ औरों के सोशल मीडिया पे भी होती है और धीरे धीरे वायरल होने लगती है। फिर फैंस कई नाराज़ भी होते हैं, कई स्टारों तक ये बात पहुंच जाती है, फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में आकर कहते हैं ये न्यूज़ झूठी है। फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो है शो की न्यूज़ जो है खबरों में थोड़ी बंद हो जाती है। फिर जैसे ही थोड़ा सा टाइम उनके शो का और नज़दीक आता है तो खबर आती है वो लास्ट शूट कर रहे हैं, फिर वो सोशल मीडिया में आकर खुद कह देते हैं हाँ भाई शो बंद हो रहा है। और ये होता है हमेशा टीआरपी से या तो एक दो दिन पहले या फिर टीआरपी आने के एक दो दिन बाद, ये ट्रैक रहता है आपका ट्यूसडे वेनसडे में। तो ऐसे में मैं बात करने वाली हूँ आपके दो पॉपुलर शो की जो कुछ खास खबर लेकर आए हैं। ऐसे में जो है सबसे पहले मैं बात करूँगी आपके लाफ्टर शेफ की, जो एक कॉमेडियन शो है, एक रियलिटी शो है जो काफ़ी फैंस को हंसाया है। ये शो जब शुरुआत में शुरू होने वाला था तो तभी इसकी खबर आ गई थी कि इसके सिर्फ 11 एपिसोड होने वाले हैं जो फैंस को काफ़ी एंटरटेनमेंट करेंगे, और खबर थी कि जो है 11 एपिसोड के बाद इसकी छुट्टी टाटा बाय हो जाएगा। अब जो है इस शो ने जो है काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स किया, टीआरपी उम्मीद से भी बहुत ज़्यादा दी, ऐसे में चैनल्स को लालच आ गया, अरे वाह ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि ये रियलिटी शो इतना बड़ा सफ़र करेगा। इससे पहले भी रियलिटी शो कलर काफ़ी दे चुका है लेकिन जब ये इतनी अच्छी टीआरपी निकाला तो इसको एक्सटेंशन दे दिया कि आप जो हैं एक्सटेंशन लीजिए, आप 11 एपिसोड और बनाइए। तो ऐसे में फेस में फिल्म स्टार भी आने लगे या फिर और भी इधर के उधर के फिल्म सी स्टार आने लगे, तो ऐसे में शो लगातार फैंस के दिल पर बना रहा। अब खबर आ रही है इस शो का जो है लास्ट शूट किया जा रहा है, ऐसे में सितंबर में ही ये शो टाटा बाय करेगा, मे भी शायद फर्स्ट या सेकंड वीक में, ऐसे में खबर आ रही है। अब ये खबर जो है आग की तरह वायरल होने लगी और फिर खबर आई इसका नया सीज़न भी आ जाएगा जल्दी, क्योंकि भाई कलर की तो पॉलिसी है जब उसका कोई सीज़न अच्छा जाता है तो उसका नया सीज़न ज़रूर लाता है। तो ऐसे में आज जो है भारती ने भी अपनी सोशल मीडिया के थ्रू फैंस को बताया कि हाँ शो बंद हो रहा है और फैंस ने काफ़ी प्यार दिया है, मे भी अगर शो को एक्सटेंशन मिल जाता है तो और सफल हो जाएगा, नहीं तो शो बंद हो रहा है, अभी बस भगवान की दुआ है अगर एक्सटेंशन मिल जाता है। तो नेक्स्ट वीक की टीआरपी देखकर ही फाइनल होगा कि आपका शो को एक्सटेंशन और उसे मिलने वाला है या ये शो सितंबर में ही बंद होगा। अगर एक्सटेंशन मिल जाता है तो ये शो अक्टूबर में बंद होगा और अगर एक्सटेंशन नहीं मिलता है तो ये शो सितंबर में ही जाएगा। ये चीज़ खुद भारती जी ने बोली है और वजह है कि इस हफ्ते की टीआरपी आने के बाद ही फाइनल डिसीज़न होगा। अब बात आती है आपके जो है लक्ष्मी नारायण की, जो कि कलर पे एक मैथोलॉजी शो है, स्वास्थ्य प्रोडक्शन का है और काफ़ी जोरों शोरों से इसमें पैसा लगा हुआ है। ऐसा नहीं है कि इसी शो में, स्वास्थ्य प्रोडक्शन के हर शो में पैसा लगा हुआ होता है, स्पेशली मैथोलॉजी शो में। फिर श्रीमद् रामायण देख लो, शिव शक्ति देख लो, लक्ष्मी नारायण देख लो, ऐसे में शो खतरे में है। 1.1 टीआरपी मांगी भी है, एट दिस टाइम 0.9 दे रहा है। इससे पहले भी जो है प्रचंड अशोक भी 0.9 था, उसको भी जो है टाटा बाय करने के लिए मजबूर कर दिया था कि हमें टीआरपी जितनी चाहिए वो उतनी नहीं दे रहा है। तो ऐसे में लक्ष्मी नारायण पे भी खतरे की घंटी जो है टीआरपी की लटकी हुई है। उसी के बीच में शो की पूरी कहानी बदलने वाले हैं, जहाँ पर आपको न्यू कलाकारों की एंट्री होने वाली है। वो कलाकार कोई और नहीं, वो आपके हैं शहबाज खान, जो कि टीवी इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर्स में गिने जाते हैं, और दूसरे हैं आपके राजवीर भारद्वाज। ये दोनों की एंट्री होने वाली है, मे भी शो में काफ़ी बड़ा ट्विस्ट लेकर आने वाले हैं। और जहां पर जो है लक्ष्मी नारायण और कृष्ण जन्माष्टमी का स्पेशल होगा तो कुछ ना कुछ स्पेशल होने वाला है। तो इन दोनों शो में से आप कौन से शो को चाहते हैं कि ये सफ़र बड़ा करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।